बैक टू माय इनर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में क्लास 10 फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ये मॉडल जो है ना, ये मॉडल ये ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का। सो आज ये वीडियो अपलोड होने वाला है, सो बिना रुके वीडियो तक चलते हैं। अगर इस वीडियो में अगर मेरा ये इनारा यूट्यूब चैनल में आप लोग नया जुड़ गए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल फर्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना देर करे हुए हम वीडियो तक चलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज दैट एक्सप्रेस, एक्चुअली मॉडल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज दैट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन डोनेटेड बाय द मेन वर्ब्स, इट्स कॉल्ड मॉडल्स। तो मॉडल्स के बारे में जानकारियां मिला है, द मॉडल ऑक्सिलरीज एंड इट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन डोनेटेड बाय द मेन वर्ब्स इज कॉल्ड मॉडल्स। मॉडल वर्ब्स आल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। आर लाइक ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज इन कॉम्बिनेशन विद लेक्सिकल वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स एज वेल एज लिंकिंग वर्ब आल्सो। फर्स्ट पॉइंट तक चलता हूँ, एक्शन वर्ब्स डोनेट फिजिकल एक्टिविटी सच एज ड्रिंक, ईट, हिट, जंप, रन, वॉक, स्विम, स्टैंड, ये है एक्शन वर्ब्स। दूसरा है, दूसरा एक्शन वर्ब्स आल्सो रिप्रेजेंट मेंटल एक्टिविटीज और स्टेट्स like forgot, had, know, love, etc. I mean these verbs also represented mental activities or state. Okay. और वैसे भी modals are modified forms of helping verb also. They modify the mode of the action verb. मेन द मेन मॉडल्स आर एज फॉलोस, इधर है जैसा सेल विल शूड वुड कैन वुड मे माइट मस्ट ऑट to, used to, need, has, oblique had, oblique have to, etc. These are the main modals. और modals का जो main जो feature है, वो main feature बोल देता हूँ। Number 1.1 में मॉडल्स ऑलवेज एक्सप्रेस द इमेजिनरी एक्शंस लाइक एबिलिटी, लाइक पावर, लाइक परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, ये सब। मॉडल जो है ना ऑलवेज इमेजिनरी एक्शन जैसे एबिलिटी के हिसाब से, जैसे पावर, जैसे परमिशन, जैसे रिक्वेस्ट करना, जैसे पॉसिबिलिटी में यूज करना, ये सब में एक्चुअली मॉडल एक्सप्रेस होता है। और दूसरा, डू नॉट कम एलोन, हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मॉडल्स डू नॉट कम एलोन, मॉडल अकेला मतलब नहीं आता है, दे ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद देम। नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, वन कंप्लीट, टू नंबर पॉइंट कंप्लीट एंड थ्री नंबर पॉइंट क्या है, मॉडल आर नेवर अफेक्टेड बाय द पर्सन, नेवर अफेक्टेड बाय द नंबर, नेवर अफेक्टेड बाय द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। हाँ, मॉडल कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है, एक पर्सन से अफेक्टेड नहीं होता है, एक नंबर से अफेक्टेड नहीं होता है, और सब्जेक्ट का जो जेंडर है उसमें से भी मॉडल अफेक्टेड नहीं होता है। सो नीचे मॉडल दिया जाएगा और इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो तुम लोगों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट आया सेल, फेट प्रोमिस परमिशन कमांड, when use second or third person then you, he, she, it, they, okay,
व्हील है। व्हील क्या है? सिंपल फ्यूसर व्हेन यूज विथ सेकेंड और थर्ड पर्सन। थ्रेट एंड प्रॉमिस। डिटर्मिनेशन कमांड व्हेन यूज इन फर्स्ट पर्सन इट व्हील। और शुड कहाँ पे एक्सप्रेस होता है? शुड वहां पे एक्सप्रेस होता है जो ड्यूटी। शुड बी डन योर ड्यूटी। ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, सरप्राइज, प्रपोज, इधर में शुड यूज होता है। मतलब पास फ्रॉम ऑप्शन शैल का पास फ्रॉम शुड। फोर नंबर मॉडल वुड। जनरली वुड पास फ्रॉम में वुड आ जाता है। इसका प्रेजेंट फॉर्म विल है। विल का प्रेजेंट फॉर्म, विल जो प्रेजेंट फॉर्म था ना, उसका पास फ्रॉम है वुड मेनली। और वुड जहाँ पे यूज होगा वो पास हैबिट, डिटर्मिनेशन, सजेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, विश और डिजायर, अनरियल कंडीशन, वहाँ पे भी वुड यूज होता है। अभी आया कैन। कैन एक्चुअली एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और उसके बाद परमिशन, इसी दोनों में कैन यूज होता है। कैन का अर्थ है ये एबिलिटी, पावर। नीड। नीड क्या है? नीड एक्चुअली प्रिंसिपल एज वेल एज डिफेक्टिव वर्ब। नीड इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज ए डिफेक्टिव वर्ब। एज अ डिफेक्टिव वर्ब वी यूज इन वीकनेस लाइक नेसेसिटी, लाइक ऑब्लिगेशन, नेगेटिव एंड इंटरेक्टिव सेंटेंस। ऑब्लिगेशन एक्चुअली नेगेटिव एंड इंटरेक्टिव, ये दोनों सेंटेंस में ऑब्लिगेशन यूज होता है। तो नीड भी खत्म। कुड। कुड एक्चुअली कैन का पास फ्रॉम है, पास फ्रॉम ऑफ कैन। इसका मीनिंग भी एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ पास्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा। तो ये भी कंप्लीट। मे, पास फ्रॉम ऑफ मे, पॉसिबिलिटी प्रपोज। माइट एक्चुअली नेसेसिटी, कंप्लीशन, ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन एंड सर्टेनली एम्फेसिटिक्स, एडवाइस, प्रोहिबिशन। इसमें मस्ट, मतलब सॉरी ये मस्ट दिया है, मैंने माइट का बोल रहा हूँ, एक्चुअली मस्ट यही है कि नेसेसिटी, कंक्लूशन, ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन, सर्टेनली, एडवाइस, प्रोहिबिशन, यहाँ पे मस्ट यूज होता है। और आएगा नेक्स्ट माइट। माइट एक्चुअली क्या है? मे का पास फ्रॉम है माइट, पास फॉर्म ऑफ माइट, पास फॉर्म ऑफ मे। इसका ये एक्सप्रेस होता है जनरली पॉसिबिलिटी फॉर, जनरली पर्पस के लिए ये। नेक्स्ट ऑट टू। ऑट टू एक्सप्रेस होता है मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी में भी ऑट टू यूज होता है। यूज्ड टू, यूज्ड टू मतलब पास्ट हैबिट। और हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये एक्सप्रेस होता है फोर्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर और एक्शन ऑफ पास्ट टेंस। ओके, सो जो जो था, मतलब मेन मॉडल्स था, शैल से पूरा हैड तक, यूज्ड टू तक, ये जैसा यूज होता है वो रूल और रेगुलेशन तुम लोगों को बता दिया। अभी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उस फिल इन द ब्लैंक्स को मतलब कंप्लीट करना है। क्या क्या मॉडल्स यूज होगा? जैसे आई डैश स्पीक ग्रामर लैंग्वेज, सो इसमें जनरली कैन आएगा। आई कैन स्पीक ये एबिलिटी है। आई कैन स्पीक जर्मन लैंग्वेज, हम जर्मन लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं, ये मेरा एबिलिटी है, तो इसमें कैन बेहतर होगा। नेक्स्ट, ही डैश स्विम व्हेन ही वाज 5 इयर्स ओल्ड, जब वो 5 वर्ष था तब वो क्या क्या था, इसमें एप्रोप्रिएट होगा एक्चुअली कूड। कैन का पास पार्टिसिपल फॉर्म कूड होगा, ये भी एबिलिटी की सबसे इधर यूज हुआ है। कैन का पास फ्रॉम, पास फ्रॉम ऑफ कैन, इसका भी अर्थ एबिलिटी है।
उसका स्विम करना एबिलिटी था जब वो 5 वर्ष था। नंबर 3 दैट आई कम इन, यहाँ पे एक्चुअली परमिशन लिया हुआ है जिस कारण ये मे आएगा, मे आई कम इन, हम अंदर आ सकते हैं। नंबर 4 यू डैश स्मोक, इट इज अनहेल्दी, तो इसमें जनरली क्या होगा, ये शुड होगा, शुड नॉट, इट शुड नॉट स्मोक, इट इज अनहेल्दी, स्मोक करना नहीं चाहिए एक्चुअली, इट इज अनहेल्दी, ये अनहेल्दी है, ये अनुचित है स्मोक करना। नंबर 5 इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, सो आई जस्ट ओपन द विंडो, इसी कारण विंडो खुल के रखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।